Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो guys इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए All Elite Wrestling और WWE से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स जहां पर हम लोग बात करेंगे कि जॉन मॉक्सली का WWE को छोड़ने के बाद अब तक का सबसे बड़ा मैच हो चुका है कंफर्म। इसके अलावा एक न्यू शो जो कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा WWE में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोमन रेंस एंड द रॉक के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नए शो से जो कि हमें बहुत जल्दी WWE के अंदर देखने को मिलेगा, और ये तब होगा जब स्मैकडाउन लाइव USA नेटवर्क से फॉक्स नेटवर्क पर चला जाएगा। तो WWE का यहाँ पर ये प्लान है कि ट्यूसडे को फॉक्स स्पोर्ट्स 1 पर एक स्टूडियो शो होगा WWE का, जहाँ पर मेन एंकर होंगी रेने यंग। और इस शो के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हफ्ते भर में जो भी कुछ हुआ है WWE के सारे शोज़ के अंदर एक तरह से वहाँ पर रिकैप होगा और उन शो के बारे में बात की जाएगी। अब ये स्टूडियो शो होने वाला है जिसको रेने यंग जो है लीड करने वाली है। अब रिपोर्ट्स तो यहाँ पर ये भी आ रही थी कि जॉन मॉक्सली चले गए हैं तो रेने यंग के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, उन्हें पनिश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि विंस मैकमैन को सच में कोई इशू है रेने यंग के साथ। और आपको ये भी बता दूं कि अब इस शो के बारे में जस्ट शुरुआती कुछ बातें आई हैं, अभी इसके बारे में और भी हमें कुछ ज्यादा रिवील होता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे हम करीब आएंगे अक्टूबर के, जब फॉक्स नेटवर्क पर चला जाएगा स्मैकडाउन लाइव, तो वो सारी अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। बस काम आपको करना है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑन रखना है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है रोमन रेंस एंड द रॉक से। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं जब रोमन रेंस ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे तो उस दौरान वो WWE पर नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मूवी की फिल्मिंग कर ली थी द रॉक के साथ जिसका नाम था हॉब्स एंड शॉ, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का ही आप लोग कह सकते हैं एक तरह से पार्ट था। अब इसके बारे में रिसेंटली द रॉक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बात करी, और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक वीडियो के साथ लिखा है कैप्शन में, उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो अपने असली भाई को जो है लेना चाहते थे इस मूवी के अंदर, इस मूवी के अंदर वो कास्ट करना चाहते थे, और मैं प्राउड करता हूँ रोमन रेंस ने जिस तरह से एक्टिंग करी है उनके अपने इस डेब्यू वाली चीज़ के अंदर। और उन्होंने रोमन रेंस की आगे तारीफ करते हुए ये भी कहा कि रोमन रेंस ऐसे बंदे हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा नाइसेस्ट एंड काइंडेस्ट मैन मिलेंगे, लेकिन अगर आप बुरे हो तो फिर वो आपका मुंह तोड़ने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर द रॉक ने रोमन रेंस की तारीफ करी उनकी एक्टिंग को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, और कहा कि अगर आप बेकार बंदे हो तो फिर रोमन रेंस आपको आपके साथ बुरा करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से रॉक ने करी रोमन रेंस के कामों की तारीफ, और शायद वो ये तारीफ को डिजर्व भी करते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है जॉन मॉक्सली से। अब आपको बता दूं जो अगला इवेंट होने वाला है वो होगा फाइटर फेस्ट, और वहाँ पर जो जॉन मॉक्सली का मैच है वो हमें जोई जनेला के साथ देखने को मिलेगा, और AEW के अंदर ये उनका इन रिंग डेब्यू होने वाला है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि AEW का जो हमें अगला मेजर पेपर व्यू देखने को मिलेगा वो फाइटर फेस्ट नहीं होगा बल्कि वो होगा ऑल आउट, जिसकी डेट होगी 31 अगस्त 2019। और यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच कन्फर्म हो गया जॉन मॉक्सली का, मज़ेदार बन जाएगा क्योंकि इतनी जल्दी ये मैच होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये मैच है कैनी ओमेगा वर्सेस जॉन मॉक्सली के बीच। जी हाँ, कैनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली का हमें बहुत जल्दी फाइट देखने को मिल जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बाद में जाकर हमें ऐसा AEW की तरफ से देखने को मिलेगा, लेकिन आते ही यहाँ पर पूरा मज़ा है जॉन मॉक्सली के फैंस के लिए और कैनी ओमेगा के फैंस के लिए। अब ये एक ऐसा मैच है जो कि फैंस काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे कि क्या हमें कभी प्रो रेसलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। अब इससे अगर कुछ महीनों पहले की बात करें तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मैच होने वाला है, लेकिन फाइनली ये मैच होगा ऑल आउट के अंदर। कैनी ओमेगा ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें माना जाता है कि वो इस समय प्रो रेसलिंग के शायद सबसे बेस्ट रेसलर है, और उनका जब मैच होगा ऐसे सुपरस्टार से जो कि इस समय हॉटेस्ट थिंग बने हुए हैं प्रो रेसलिंग के अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मैच में कोई भी कमी रह जाए, और हमें सच में एक बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच देखने को मिलेगा दोनों सुपरस्टार्स के बीच। लेकिन अभी से होने में थोड़ा सा टाइम है, 31 अगस्त को हमें मैच देखने को मिलेगा, तो देखते हैं दोनों सुपरस्टार्स वहां पर क्या कुछ कमाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यार लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे इस मैच के बारे में अपने थॉट्स बताना कि आपका क्या कहना है कैनी ओमेगा वर्सेस जॉन मॉक्सली के बारे में। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE प्रो रेसलिंग और सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।